सो हेलो गाइस, दिस इज वनी एक सरच के स्टूडियो में अपन बात करने वाले क्लोज रेंज सेंसिटिविटी के बारे में। ये जो सेंसिटिविटी है जो कि क्लोज रेंज में काम करती है, इसका बहुत बड़ा रोल है, एक नहीं दो तीन रोल है। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले कि क्लोज रेंज सेंसी कौन सी होती है, कैसे वर्क करती है और क्या रोल प्ले करती है आपका क्लोज रेंज मतलब क्रॉस एयर को स्टेबल करने में, क्या रोल प्ले करती है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसका, इसके बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आने वाला है। अगर आपका क्लोज रेंज बहुत ज़्यादा वीक है, आपके क्रॉस एयर से चोक होते बहुत ज़्यादा, और या फिर आपसे ट्रेस नहीं हो पा रहा है बंदा, या फिर आपसे क्रॉस एयर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स के क्लियर आज करने वाले उनको इस वीडियो में, क्योंकि सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये मेरे को पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। अगर चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और घंटे को भी वॉल पे बहुत सारा प्यार देना, लाइक कर देना। इस वीडियो को टारगेट अपने रखा है 600 लाइक का, जो कि पिछले वीडियो से बहुत ज़्यादा है। आई होप कि आप करवा दोगे। नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, बढ़ते हैं अभी पॉइंट्स की तरफ, आ जाओ। तो यार गाइस, इस पॉइंट में अपन बात करने वाले हैं कि अपनी क्लोज रेंज की सेंसिटिविटी कौन सी होती है, मतलब कौन सी सेंसिटिविटी क्लोज रेंज के लिए काम करती है, क्लोज रेंज में काम करती है, जिसको छेड़छाड़ करने के बाद मतलब चेंजेस करने के बाद हमारा क्लोज रेंज इम्प्रूव होने वाला है टू द नेक्स्ट लेवल। तो यार गाइस, अब सेंसी की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड पर्सन कैमरा कैरेक्टर व्हीकल का, कैमरा पैराशूटिंग एंड फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर, इनका इतना यूज़ नहीं होने वाला क्योंकि ये फ्री लुक सेंसिटिविटी है। सो यहाँ पे हम नॉन गैरो प्लेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे उनका कैमरा सेंसिटिविटी, जो वो अंगूठे से स्क्रीन हिलाते बिना फायर किए मतलब भागते रहते और वहाँ पे जो अंगूठे से हिलाते वो ये सेंसिटिविटी जो कि क्लोज रेंज में काम आती है एम एडजस्ट करने में। देन जो अपना नॉन गैरो प्लेयर जब फायर करते तो उनको जो क्रॉस एयर एडजस्ट करना पड़ता है अंगूठे से राइट वाले थंब से, तो वो ये सेंसिटिविटी है थर्ड पर्सन नो स्कोप और एडीएस सेंसिटिविटी। तो ये जो दो सेंसेस है जो मैंने अभी बताई, ये नॉन गायरो प्लेयर है उनका क्लोज रेंज इंप्रूव कराती है। तो ये कैसे कराती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मेरे सेंसेस चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी करके देख सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो और अपने कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो। तो अगर गाइस, नॉन गायरो प्लेयर के लिए सेंसी तो दिखा दिए, अब बात करते हैं गायरो प्लेयर के लिए और लास्ट में बात करेंगे कि कैसे आप सेंसी को एडजस्ट करके इजीली क्लोज रेंज इंप्रूव कर सकते हो। तो आ जाओ गायरो प्लेयर की बात करते हैं। तो यार गाइस, सेंसिटिविटी में आने के बाद यहाँ पे सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन जो कि है गायरोस्कोप सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है थर्ड पर्सन नो स्कोप गायरोस्कोप सेंसिटिविटी, वो काम करता है गायरो वालों के लिए जब वो कैम मतलब मोबाइल हिलाते हैं गायरो हिलाते हैं तब, और जो एडीएस गायरो सेंसिटिविटी है वो काम करता है जब वो फायरिंग करते करते एडजस्ट करते मतलब ट्रेस करते सामने वाले को तब। मतलब नॉन गायरो प्लेयर के लिए जैसे कैमरा सेंसिटिविटी एंड एडीएस सेंसिटिविटी, वैसे ही गायरो प्लेयर के लिए गायरो सेंसिटिविटी एंड गायरो एडीएस सेंसिटिविटी। और अगर आपको यहाँ पे मेरी सेंसी में दिखा रहा होगा चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके नोट डाउन करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोल कोड नहीं देने वाले हमें क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है या कुछ झोल जाले उसमें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है उसमें बहुत सारे बंदों को वो फेल दिखा रहा है या फिर हो नहीं रहा है वो कॉपी पेस्ट। सो इसके लिए मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, आप सिंपली यहाँ पे आके देख के लिख के या फिर स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। अगर आप आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे अपने गेम प्ले को, मालूम है तेरे बाप को। सो ये बात थी। सो अब बढ़ते कैसे चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से आपका क्लोज रेंज इम्प्रूव हो सके, इसके बारे में बात करते हैं, आ जाओ। तो अगर गाइस, इस पॉइंट में बात करते हैं कैसे हम सेंसिटिविटी में चेंजेस लाके अपना क्लोज रेंज इंप्रूव कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम गायरो प्लेयर का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गायरोस्कोप सेंसिटिविटी में थर्ड पर्सन नो स्कोप सेंसिटिविटी वो मैंने 300 रखा हुआ है, जो कि मैंने पहले से रखा हुआ था, तो वो मेरे को मैं उसके साथ हैबिट बन चुके हैं वो मेरे, सो मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे एडीएस गायरोस्कोप सेंसिटिविटी को मैंने 250 कर रखा है। इसका रीज़न ये है कि एडीएस गायरो सेंसिटिविटी कब काम में आती है, जब आप फायर करते हो और देन क्रॉस एयर को एडजस्ट करते हो, मतलब सामने वाला जिगल दे रहा है, ऐसा मान लो सामने वाला जिगल दे रहा है और आप उसको फायर करते करते एडजस्ट कर रहे हो उस पर क्रॉस एयर, तो वहाँ पे वो सेंसिटिविटी काम में आने वाली है एडीएस गायरोस्कोप सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे मैंने 250 कर रखे है इसलिए वो ज़्यादा नहीं हिलेगा। तो अगर सेम चीज़ ये नॉन गायरो प्लेयर के साथ भी होती है, तो वहाँ पे उनके पास दो सेंसिटिविटीज़ होती है क्लोज रेंज को इम्प्रूव करने के लिए। पहली होती है कैमरा सेंसिटिविटी, वो बंदे से पहले काम में आती है, मतलब जब आप फायर नहीं कर रहे होते हो तब काम में आती है। लेकिन जो सेकंड वाली सेंसी होती है एडीएस सेंसिटिविटी थर्ड पर्सन की, वो उनको 120 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो उनको 100 करनी चाहिए। आप 100 करो, अगर आप मेरे कॉपी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन नहीं करते हो आपको आपकी खुद की सेंसिटिविटी चाहिए तो आप वो 100 ही रखो या फिर उससे भी कम रख सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो।
तो अगर आपको इससे और भी जानकारी चाहिए तो आप ऊपर वाला वीडियो चेकआउट कर लो। तो यार गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी तक देख रहे हो वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, एंड घंटे को भी ऑल पे बहुत सारा प्यार देना, लाइक कर देना। इस वीडियो को टारगेट ने अपने रखा है 600 लाइक का, जैसे कि आपको पता है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और एनी अदर प्रोडक्ट अगर आपको बाय करने तो आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, या फिर अगर आपको मेरे गियर में से कुछ बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऊपर वाला चेकआउट करना वीडियो।